तो गूगल सीट के अंदर हमने बात करें रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस चार्ट्स, तो चार्ट्स में हमने लास्ट टाइम में हमने कॉलम चार्ट के बारे में बात किया। अब चलिए कुछ कॉलम चार्ट की कुछ और चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे है। मेरे पास कुछ नेम है, नेम पूजा हो गया, मोहन, कविता, इंदर। अब यहाँ पे जैन फैम वाली सेल्स है, अब मैं यहाँ रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा के मैं कुछ नंबर भी ले आता, सॉरी इस कॉमा लग गया। ठीक है, अब इस पे लगाता हूं चार, इंसर्ट चार, तो बाय डिफॉल्ट एक क्या लग गया, लाइन चार्ट। अब इसके चार्ट पे आते हैं, क्यों आया सर? अब देखिए इसमें क्या है कि अगर इसमें आप कॉलम चार्ट लेते हैं तो कई सारे कॉलम बन के आते हैं, आ रहा है सर? हाँ आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि हर नाम के लिए एक अलग कॉलम है, दिख रहा है? दिख रहा है। अब इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो आप कर ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम सेटअप पे आते हैं तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग कॉलम का अपना अलग अलग फॉर्मेटिंग है, उसका भी आप कर सकते हैं जो करना चाहे। स्विच कॉलम है, रो एंड कॉलम अगर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि आपको नेम वाइज यहां पे आ जाता है और मंथ वाइज लाइन बन जाता है, वापस पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसमें एक है कि अगर मैं चार्ट का टाइप चेंज कर, मैं इसमें स्टैक चार्ट दिख रहा है ना सर, यहाँ पे ऊपर सजेस्ट चार्ट को भी नहीं ध्यान दे रहा हूँ, वो सजेस्ट कर देता है, हम यहाँ पे आते हैं कॉलम चार्ट। इसमें अगर आप 100% स्टैक चार्ट करते हैं तो क्या होता है कि एक कॉलम के लिए एक कॉलम का लाइन बनता है। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए आपने जो आप जो है चार्ट बनाते हैं, अगर आप चार्ट सेटअप पे आते हैं तो ये नॉर्मल आपने कॉलम चार्ट लिए, ये आपका कॉलम चार्ट है। तो मैं ये ऊपर सजेस्ट चार्ट है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, हम कॉलम चार्ट पे डिस्कस करें। नॉर्मल कॉलम चार्ट तो हमने बात कर ली थी, इसमें हर किसी की अलग अलग सीरीज बनता है। इसी में आपका स्टैक कॉलम चार्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का चार्ट बनेगा। तो इस क्या होता है कि एक कॉलम के लिए एक कॉलम यहाँ बनेगा, हर कॉलम के लिए एक कॉलम, जितने डेटा कॉलम होंगे उतने कॉलम, और फिर जितने रो होंगे ना उतने पार्ट होंगे इस कॉलम के, दिख रहा है? तो इसमें क्या है कि आप मंथ वाइज एनालाइज कर सकते हो किस महीने का सबसे ज्यादा सेल है ओवरऑल, ठीक है, और उस महीने के अंदर किस किस का सेल का क्या कंट्रीब्यूशन है वो देख सकते हैं। उदय सबसे ज्यादा है इसमें, हाँ जैसे कि मई में सबसे ज्यादा है, तो मई में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये पूजा है, फिर आपके यहाँ पे आपका उदय, ये है मोहन है, मोहन कविता है, कविता इंदर है, उदय, ठीक है। हाँ। तो इस तरह से देख सकते हैं। इसमें एक चीज और भी है, अगर इसी को अगर हम सेटअप में आते हैं इसी में इसमें 100% चार्ट कर देते हैं तो सॉरी ये गलत हो गया, 100% स्टैक करते हैं तो इसमें क्या होता है तो कि हर महीने का कंट्रीब्यूशन इन द परसेंटेज में दिखा देता है, बाकी कोई खास चेंज नहीं। अब बात करते हैं कॉम्बो चार्ट कब इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे अगर मैं इस डेटा को डिलीट कर दिया, अब यहाँ पे सेल आ गई पूजा, यहाँ पे मान लीजिए सेल्स हमने यहाँ पे कर दिया, अब यहाँ मेरे पास है टारगेट, ठीक है, ठीक है। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि टारगेट की अपेक्षा मेरा सेल का क्या कंट्रीब्यूशन, राइट?
तो यहां हम चार्ट पे आते हैं, जो यहां पे ज्यादा हो गया 95। अब इसमें हम आते हैं, आने के बाद इस पर डबल क्लिक करके हम चले जाते हैं इसके इस पे। अब यहां सेटअप पे आते हैं, तो सेटअप पे यहां आपको सेल्स और टारगेट दिख रहा है, इसमें क्लिक कीजिएगा तो इसमें चार्ट में आते हैं। हम यहाँ पे कॉम्बो चार्ट में, तो कॉम्बो चार्ट में आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये आपका से टारगेट जो था वो लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया सर। हाँ, क्लियर है, लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक पर प्रॉब्लम ये आती है कि है। मुझे आप एक एक बार जून को 95 करिए तो सर ये वाला टच हो जाएगा ना, फिर नहीं, मैं दोबारा जून का देखता हूँ। सेल अगर 95 हम करते हैं। नहीं, उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, वो जो सीरीज जो सेल है उसके हिसाब से ऊपर नीचे होगा। अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या हुआ कि टारगेट को लाइन में कन्वर्ट कर दिया, हमें उल्टा गया, हमें सेल्स को कन्वर्ट करना था लाइन में और टारगेट हमारा होना चाहिए था कॉलम। तो इस पे क्लिक जी करते ही, क्लिक करने के बाद यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे मैंने सेल्स को सेलेक्ट किया और यहां दिख रहा है टाइप में कॉलम, उसको मैं हाँ लाइन में कन्वर्ट कर, और फिर वापस हमने टारगेट को सेलेक्ट किया, या टारगेट को सेलेक्ट, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, कॉलम। हाँ ठीक है, अब आप यहां पे कुछ भी सेल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने मई को सेल ही कर दिया 60 95 कर दिया, तो उस हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर टारगेट मान लीजिए 100 कर दिया हाँ तो टारगेट बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ तो यहां हमने ठीक आपके साथ है। बात किया कि दो अलग अलग चार्ट हम कैसे, दो अलग अलग तरह के चार्ट कैसे बनाए। समझ में आ गया? हाँ, एक बार मेरे को फिर से ये बताइए सर, ये आपने टारगेट को ऐसे और ये सेल को ऐसे कैसे किया था? देखिए आपको क्या करना है, पहले बनाना है चार्ट, सेलेक्ट दोबारा से देखिएगा प्रोसीजर। मैंने ठीक इसको सेलेक्ट है। किया, हाँ इंसर्ट किया, हमने चार्ट को सेलेक्ट किया, आ गया चार्ट। फिर इसके सेटअप में आप आते हैं, तो इसमें कस्टमाइज हम आते हैं, डन। कस्टमाइज में आते हैं, चार्ट स्टाइल में आते हैं, चार्ट स्टाइल सीरीज, माफ कीजिएगा, सीरीज में आते। ठीक अब है। यहां से आपके जितने भी सीरीजेज है, लाइन है, वो यहाँ आपको दिखता है। अब जिसको आपको लाइन में कन्वर्ट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, लेट, इसमें कन्वर्ट तो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ कन्वर्ट, क्योंकि तो हमने चार्ट के जो टाइप थे ना वो हमने नॉर्मल लिए हुए, हमें वो टाइप हम को कॉम्बो करना है। नॉर्मल समझ गए, समझ टाइप को क्या करना है, गया, कॉम्बो करना है। कॉम्बो उसके करना है। बाद कस्टमाइज की सीरीज में आप लीजिए, यहां पे टाइप दिख जाएगा, इससे पहले टाइप नहीं दिख रहा था ना, अब टाइप आ गया। नहीं अब मुझे सेल्स को करना है लाइन, ठीक है, और फिर वापस हमने टारगेट लाइन को सेलेक्ट करके कॉलम कर दिया। हो गई कॉलम सर? कर दिया। ठीक है, समझ गया। इसमें आप अभी तक आपने तीन चीजें समझी। पहले चीज समझी कि आपके हाँ जो चार्ट के टाइप होते हैं उसमें कॉलम, एस्टेक कॉलम एंड आपका 100% कॉलम का क्या रोल। ठीक है, फिर हाँ हमने ठीक बात है। की कॉम्बो चार्ट की। जब दो कॉम्बो चार्ट आप लेते हैं तो ले सकते हैं। अब इसमें कॉम्बो में जरूरी है कि आप लाइन ही ले, आप इसमें सीरीज भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मान लीजिए सेल्स को लिया, तो लाइन के जगह पे मैंने यहाँ पे एरिया ले लिया, एरिया चार्ट बन गई। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेपड ठीक एरिया ले लिया। है। ठीक है, तो ये तीन चीजों में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप यहां देखिएगा, जब हम कॉम्बो चार्ट लेते हैं उसमें हम, हमारे पास यही ऑप्शन होता है, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग चार्ट ले लें, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि चार्ट में, अब मेरे पास एक डेटा परसेंटेज में, जैसे कि 25%, 36%, 58% हो गया, 74%, 87% और यहाँ पे 55%।
एक हमारा नंबर में है और दूसरा हमारा किस में है, परसेंटेज में। अब इस पे चार्ट से परसेंट में। जी, अब चार्ट, अब यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, जो आपका टारगेट होना चाहिए, टारगेट हो गया, टारगेट जो है वो तो दिख ही नहीं रहा है। क्यों अच्छा ठीक है। नहीं दिख रहा है सर, हाँ नहीं दिख रहा है, क्यों रीजन क्या है? ना इसके छोटा लिए छोटा दिख आपको रहा है सर। समझना होगा एक्सेल के गूगल सीट में डाली गई नंबर की एंट्री। जैसे आप यहाँ पे अगर 25% डाल दिए, इसका मतलब थोड़ी 25% है, इसको अगर आप जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो यह है 0.25, और चार्ट हमेशा इसके ओरिजिनल वैल्यू पे चलता है। तो यहाँ पे 25 नहीं है, यहाँ पे 0.25। आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का नीचे दिख रहा है ना रेड में, क्योंकि तो वो जीरो के हाँ आसपास है। तो एक आपका जो सेल्स है वो काफी बड़ा है, तो आपका जो टारगेट है वो काफी छोटा है। हाँ अब छोटे में बड़े को देख पाना मुश्किल हो रहा है। इस केस में क्या करेंगे सर, इस केस में हम सेकेंडरी एक्सिस के बारे में जाने। तो यहाँ सीरीज दिख रहा है, तो टारगेट के लिए हमने यहाँ पे टारगेट किया सिलेक्ट किया। एलिगेट तो अलग है, यहाँ कस्टमाइज होगा इसका। कस्टमाइज में हम आएंगे कहाँ पे, लेजेंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, लेजेंड में होगा सेकेंडरी एक्सेस करके आता है सीरीज में ही, और हमने सेलेक्ट कर लिया टारगेट, और यहाँ पे डेटा फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेट लेफ्ट एक्सेस राइट एक्सेस करके आ गया सर। बेसिकली एक्सेल में सेकेंडरी ये एक्सेस था ना, दिमाग में घूम रहा था। यहाँ पर ये बस लेफ्ट से राइट हो गया। नहीं, दोनों तरफ हो गया ना, इधर भी है ना, इधर भी है, नहीं समझे? जीरो का ये 25% का ही है ना ये। इसने क्या किया, टारगेट के लिए एक अलग से परसेंटेज में सीरीज दे दिया, अच्छा समझ गए? तो ये जो समझ टारगेट का जो गया। सीरीज है इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग चल रहा है, और ये सेल का सीरीज हाँ इस इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तभी तो दिख रहा है ना अकॉर्डिंग सर, चल रहा है, तभी राइट एक्सेस कर दूंगा तो नहीं दिखेगा, रहा है। हाँ लेफ्ट किया तो तो दिख इसीलिए गया, लेफ्ट को एक्सेस करना पड़ेगा। समझे? समझ आया कि नहीं समझ आया आपको सर? हाँ ठीक है, अभी समझ में आ गया। जो टारगेट है वो राइट साइड के अकॉर्डिंग चल रहा है, दो और जो तरह सेल के, है वो जी लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग चल रहा है। जी हाँ, तो दो तरह के डेटा पे आप इसी चीज का इस्तेमाल ठीक है। ठीक है। हाँ तो अब आपका कॉलम चार्ट हो गया फिनिश, बिल्कुल फिनिश। अब बारी आती है कि ठीक जो मैंने आपको दिए थे बनाने के लिए, उसमें कुछ चीजें तो आपने हाँ बनाई है। अब जैसे कॉम्बो चार्ट था, उसमें आपने वर्क नहीं किया, आपने इसके हाँ ऊपर जो मैंने डेटा वार्स ऐड तो किए, बट डेटा वार को फॉर्मेट नहीं किया। अच्छा डेटा वार्स समझते हैं, ऊपर जो नंबर्स आते हैं, हाँ वहाँ जो नंबर आ जाता है जो शो हो जाता है। तो शो तो करवा दिया था, बट उसको उसकी फॉर्मेटिंग नहीं कर पाए, एरर बार्स नहीं लगा पाए थे, 3D में कन्वर्ट नहीं कर पाया था आपको। तो एरर बार्स से आपने लगा, एरर हाँ बार्स नहीं लगाया आपने, एरर बार्स नहीं लगाए आप, उस 3D चार्ट नहीं बना पाए, क्वार्टरली जो 3D चार्ट था वो आप नहीं बना पाए, शैडो चार्ट क्रिएट नहीं कर पाए थे आप। इसको आप अच्छा ट्राई कीजिए, फिर जो आप नहीं कर पाइएगा वो हम कल आपको बताएंगे, हाँ ठीक है? अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा ठीक दोबारा एक बार कीजिए, है। दोबारा कीजिए, सेकेंड टाइम अगर नहीं हो पाता है तो जो चार्ट आपसे नहीं हो पाएगा वो हम कल बताएंगे, हाँ ठीक है? ठीक है।